जैन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक वेबिनार के विषय में। ये वेबिनार कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कैसे आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इन सभी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पर। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेमिनारों की झड़ियाँ सी लग चुकी हैं इस समय देश में और विदेश में भी हमको, लेकिन सही समय पर सही विषय की और सही संस्थान के द्वारा कराए जाने वाले इन वेबिनारों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उसी क्रम में मैंने अपने चैनल पर कुछ इसी प्रकार के वीडियो बनाने की सोची है और इसी क्रम की कड़ी में ये एक और वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी को शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में आप महत्वपूर्ण विषयों पर जो व्याख्यान हो रहे हैं विद्वानों के द्वारा, उनसे नज़रअंदाज ना हो, उसी क्रम में ये आपका भी कर्तव्य बनता है। जो संविधान ने आपको कर्तव्य दिए हैं आर्टिकल 51 के अंतर्गत, तो उसी के अंतर्गत भी है कि सही जानकारियाँ या सही सूचनाएँ आपके पास है, इन्फो है, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और समय पर शेयर करेंगे तो आपका लाभ होगा और आप गैर कानूनी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त के भी अंतर आपके लक्षण विद्यमान होंगे। यह तो थी छोटी सी भूमिका। अब मैं बात करने वाला हूं सेमिनार कब होने वाला है, किस विषय पर होने वाला है, कैसे प्रतिभागी हो सकते हैं। जरूरी जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी और मैं वीडियो शुरू कर चुका हूं। पहली चीज कि 13 मई 2020 रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है इस वेबिनार के लिए। वेबिनार खत्म होने के बाद फीडबैक फॉर्म का एक लिंक आपको दिया जाएगा, या हो सकता है कि 14 मई के बाद या 15 मई के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दोबारा चेक करेंगे तो मैं आपको फीडबैक फॉर्म का भी लिंक दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद और सेमिनार वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर ये आपके पास फीडबैक फॉर्म वैसे आ ही जाएगा, और यदि नहीं आता है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक्स का भी लिंक दे दिया जाएगा। क्योंकि वेबिनार के बाद और उसकी सफलता के लिए प्रतिभागियों का फीडबैक देना बेहद ज़रूरी होता है, उसी से सेमिनार में वक्ताओं की गुणवत्ता की पहचान होती है और आपको कितना प्राप्त हुआ विद्वानों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसकी भी जांच होती है। इसलिए फीडबैक का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैंने वीडियो का एक मिनट पूरा फीडबैक पर दिया। और फीडबैक फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपको अपना ई प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। जितने भी प्रतिभागी हैं सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इस बात का याद रखिएगा। कुछ संपर्क सूत्र मैं आपको दे दूंगा यदि कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। अब हम बात करते हैं, ये वेबिनार हो रहा है रिसर्च डायमेंशन इन सोशल साइंसेस, रिसर्च डायमेंशन इन सोशल साइंसेस, इस विषय पर ये वेबिनार होने वाला है। और थंबनेल से भी आप समझ चुके होंगे, इस विषय पर 3 विश्वविद्यालयों के और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एक्सपर्ट या विद्वान आपसे चर्चाएँ करेंगे, आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। पहले विद्वान हैं प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी, जो काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय है वाराणसी में है, उसके अंतर्गत आते हैं और वह प्रोफेसर हैं एक विभाग के, यह विषय पर बात करेंगे। और इनका जो टॉपिक है, जो रिसर्च के टूल्स होते हैं, जहाँ जो तकनीक्स होती हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नीक्स होती है, यानी कि तकनीक होना और तकनीकी होना ये अलग अलग चीज़ है। इनके छोटे से बारीकी अंतर को और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्तमान समय में क्या क्या टूल्स हो सकते हैं अपनी समस्या के समाधान के पहुँचने के लिए, इस विषय पर अपने व्याख्यान करेंगे डॉक्टर राम प्रकाश द्विवेदी जी, आप इसको सुनें। दूसरी इसमें वक्ता हैं प्रोफेसर सोनाली सिंह मैम, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस BHU के प्रोफेसर हैं, वह अपनी बात रखने वाली हैं कि क्या क्रिटिकल थ्योरीज हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कूल्स यानी कि जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं सोशल साइंस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स होते हैं, उस विषय को लेकर, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, हिस्ट्री से हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आप क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, यानी कि या क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कह सकते हैं ऐसी सोच, ऐसा दृष्टिकोण जो लीक से साथ चलकर नहीं, लीक से हटकर बात करता, और उस लीक के हटकर बात करने में वैश्विक परिदृश्य में अपनी बातों किस प्रकार स्थापित आप करेंगे और स्पष्ट करेंगे, इन सभी बातों की आपको समझ और इन बातों के विषय में आपकी जिज्ञासाओं को और बढ़ाने का प्रयास करेंगी प्रोफेसर सोनाली सिंह मैम, इनको भी आप जरूर सुनिए। और तीसरे जो इसमें
वक्ता हैं मेरे फेवरेट गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधी एंड पीस स्टडी डिपार्टमेंट से डॉक्टर धनंजय राय। जी हाँ, इनको आप सुनिए, ये जो बात करने वाले हैं सर कि क्या हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रोसेस चल रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर, और क्या हमारे सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं इन विषयों पर, आइडेंटिटी एंड कल्चरलिज्म बोल सकते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म बोल सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। तो आप इस वेबिनार को जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करें, इसमें प्रतिभागी हों, और इन तीनों विद्वान जनों को डॉक्टर राम प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर सोनाली सिंह मैं, डॉक्टर धनंजय राय, एक काशी से हैं यानी कि वाराणसी से हैं, तो एक BHU से हैं, एक गांधी से हैं, और तीनों का ही संबंध कहीं ना कहीं गांधी से है। तीनों ही प्रोफेसरों का संबंध या विषय कहें गांधी से है, और तीनों ही विषय के मूल में कहीं ना कहीं राजनीति है, और वैश्विक परिदृश्य में आपको विषय को समझाने के लिए, रिसर्च के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करने के लिए क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, इन सभी के लिए वेबिनार आयोजित करवाया जा रहा है। और मेरे माध्यम से छोटा सा योगदान मैं इसमें दे रहा हूँ, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। जानकारी को शेयर करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और किसी विषय पर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को, वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की फेलोशिप, फुल टाइम फेलोशिप, इंटर्नशिप, वह सभी जानकारियां मिलती हैं। इस वीडियो को शेयर करें, सेमिनार को अटेंड ज़रूर करें, रिसर्च डायमेंशन इन सोशल साइंसेज, तीन विश्वविद्यालयों के तीन प्रोफेसरों को आप जरूर सुनें, और ये बायलिंगुअल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में लगभग सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह बायलिंगुअल है वेबिनार, तो हिंदी अंग्रेजी की कोई दिक्कत नहीं, आपके सवाल जवाब हिंदी अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसको अटेंड करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, जरूरी चीज़ें, लिंक, फ़ोन नंबर, एड्रेस समय सब दूंगा, और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और जो नंबर दूंगा उनसे ही पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, इसको अटेंड करें, लिमिट है सीट्स में, सीट्स का लिमिटेशन है, इसीलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। हो सकता है कि, जैसा कि मैंने कहा कि 13 मई इसकी लास्ट डेट है, तो हो सकता है 13 मई को सुबह 11 बजे या सुबह 9 बजे या 13 मई को शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन का लिंक ब्लॉक हो जाए या कर दिया जाए, क्योंकि यदि प्रतिभागी अधिक होते हैं तो मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती आती है, बहुत आती है, इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। और जो वेबिनार होने वाला है उसकी डेट है 14 मई, 2 बजे से 5 बजे के मध्य में। जी हाँ, 13 मई को अंतिम डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, और 14 मई को इसका वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, दोपहर 2 बजकर से 5 बजे के मध्य, यानी कि 1:30 बजे पर टेंशन हो जाइए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जूम ऐप के माध्यम से ये वेबिनार आयोजित करवाया जाना है, इस बात का याद रखिएगा। जूम ऐप के माध्यम से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं अगर मिलता है तो लिंक मैं आपको दे दूँगा सॉफ्टवेयर का, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को शेयर करें, आपने धैर्य से वीडियो को समझा और मैंने समझाने का प्रयास किया, उसके लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।